असलम डियर स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर थ्री पर इसको शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि यूनिट नंबर थ्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे सो यूनिट नंबर थ्री का नाम है यूज़ ऑफ़ चिल्ड्रन गेम्स एज लिटरेचर इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम ये देखेंगे कि वो कौन से गेम्स हैं जो कि हम लिटरेचर की क्लास में यूज़ कर सकते हैं जिनके साथ बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ उनकी लिटरेसी स्किल्स डेवलप होती हैं बल्कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उनकी रीडिंग राइटिंग स्पोकन और लिसनिंग स्किल्स भी साथ साथ डेवलप होती चली जाती हैं तो इस यूनिट के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है जो एज़ अ गेम हम देखेंगे वो है थिएटर इन अ क्लास कि क्लास के अंदर ही आर टीचर एक थिएटर को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकती है और थिएटर के अंदर बच्चे किस किस्म का काम कर सकते हैं जिसमें मिनिमम रिसोर्सेज हो और आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है उसके अंदर आप थिएटर की कौन सी क्वालिटीज़ हैं तो इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बेहतरीन लिटरेसी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं दूसरी चीज़ जो हम पढ़ने जाएंगे उसका नाम है रोल प्ले तो so, लिटरेचर के अंदर डेफिनेटली बहुत से रोल्स होते हैं और दूसरी स्टोरीज के अंदर भी रोल्स होते हैं जो बेशक लिटरेचर से रिलेटेड ना हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो बच्चों को अगर हम रोल प्ले करवाएं तो उससे बच्चों की स्किल्स में क्या फ़र्क पड़ता है वी विल गेट आप फिर अगर हमारे पास करेक्टर्स हैं कहानियों के अंदर तो अगर हम उन करेक्टर्स का चेंज कर दें कि उनके करेक्टर ट्रेट्स बदल जाएं तो वो करैक्टर कैसे दिखेंगे ये वो गेम्स हैं जिसके अंदर बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं आज इसके अंदर बच्चों में एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है चेंजिंग द एंड ऑफ द स्टोरी स्टोरी का एंड कैसे होना चाहिए बच्चे कैसे डिवेलप कर सकते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं और अगर चेंज कर दिया जाए तो बच्चे उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वी विल गो न सी इट एज वेल माइम्स क्या हैं एनालॉग गेम्स क्या हैं इसको हम देखेंगे और देखेंगे कि टीचर्स इन गेम्स को किस तरीके से क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के अंदर लिटरेसी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्टेक्स गेम्स ये भी गेम्स हैं जो कि लिटरेचर से रिलेटेड हैं जिसके अंदर हमारे पास सम कॉन्टेक्स होता है उस कॉन्टेक्स को हम चेंज भी कर सकते हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्ट में स्टोरीज कैसे बदल जाती हैं कैरेक्टर्स कैसे बदल जाते हैं प्लॉट कैसे, कैसे बदल जाते हैं और बच्चे कैसे इमेजिनेशन में जाके उन चीज़ों को सोचते हैं देखते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं स्टोरी बिल्डिंग में परफॉर्मेंस में सो so ये वो चैप्टर है जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली वो गेम्स और वो एक्टिविटीज़ देखेंगे जो लिटरेचर के टीचर्स जो हैं क्लास में बच्चों के साथ करती हैं चाहे वो कोई भी ज़बान पढ़ा रही हो चाहे वो उर्दू हो पंजाबी हो अंग्रेजी हो या अरबी हो आजान को बेहतर तरीके से समझाने के लिए और उस जबान में जो बेहतरीन लिटरेचर का काम हुआ हुआ है उसके थ्रू बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डिस्कशन और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए क्या कुछ क्लास में किया जा सकता है हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं